ये वीडियो चैप्टर 7 का पहला हिस्सा है जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, हुक्स लॉ डिस्कस करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड देखेंगे कि क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास किस्म का मोशन है जिसमें कोई चीज अपनी मीन पोजिशन के गिर्द लेफ्ट राइट मूव करती है, लेफ्ट गई वापस मीन पोजिशन पे और फिर राइट गई उतना ही जितना वो लेफ्ट गई थी, और फिर ये चीज एक खास टाइम पीरियड में होती है और फिर ये पैटर्न रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है इनडेफिनेटली। इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का लफ्ज हार्मनी से निकला है जिसका मतलब होता है ऑर्डर या पैटर्न, मतलब कि एक खास तर्ज के ऊपर ये मोशन हो रहा है। इस किस्म के मोशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मसलन जब ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं जो रस्सियों से लटके होते हैं, जब उनके ऊपर लोग चलते हैं तो वो ब्रिज सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और इस वाइब्रेशन को हम कम से कम रखना चाहते हैं ताकि लोगों को कोई खतरा ना हो। तो हम फिर स्टडी करना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दो फोर्सेस हैं नेचर की जिनकी वजह से ये पैदा होता है, एक फोर्स ऑफ इनर्शिया और दूसरी, या आप ये भी कह सकते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ और दूसरी वजह है रिस्टोरिंग फोर्स, एक चीज होती है जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या होती है। इन दो फोर्सेस की आपस में इंटरेक्शन की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा होता है। जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, यानी उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस जीरो होता है, तो जब भी उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है जो कि उस चीज को वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। मसलन अगर एक प्लेट है कर्व्ड, उसके ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है, अगर मैं इस बॉल के ऊपर राइट से एक फोर्स लगाऊंगी तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। जैसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसको कहेगा वापस अपनी जगह पे आओ। और ये किसी भी सिचुएशन में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, कोई भी सिस्टम हो जब भी उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे पैदा होता है। ये एक प्लेट है कर्व प्लेट, इसकी सेंटर यहाँ पर है, इसके ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में है। हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं राइट से और ये बॉल मूव करना शुरू कर देता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया या फोर्स ऑफ इनर्शिया के तहत ये बॉल, इस बॉल को हमेशा मूव करते रहना चाहिए अनलेस इसको कोई फोर्स स्टॉप करे। जैसे ये बॉल मूव करना शुरू करता है, अपनी पोजीशन से हटता है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। और जैसे जैसे इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन से ज्यादा होती जाती है, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती जाती है रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होता जाता है। यहां तक कि बॉल एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जब रिस्टोरिंग फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बॉल लेफ्ट मूव करना बंद कर देता है और रिस्टोरिंग फोर्स के असर के अंदर वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ सफर शुरू कर देता है। अब इस बॉल के ऊपर लेफ्ट से एक फोर्स लगा और ये राइट की तरफ मूव करना शुरू किया। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक इसको अब हमेशा मूव करते रहना चाहिए। जब ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम खत्म हो जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स भी खत्म हो जाता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स चाहता था ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए, मगर फोर्स ऑफ इनर्शिया उसके अंदर होता है जिसकी वजह से वो बॉल अपनी उस मेन पोजीशन पे रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता जाता है। और फिर वही होता है जो हमारे लेफ्ट साइड पे हो रहा था कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाता है और उसको मजबूर करता है कि वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए, तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है और फिर वापस सफर शुरू कर देता है। और यूं फिर जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाता है मगर इनर्शिया की वजह से वापस दूसरे एंड पे जाता है। इस तरह एक साइकिल शुरू हो जाती है जिसमें ये बॉल लेफ्ट राइट मूव करता जाता है और यूं हमारा इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा होता है। हुक्स लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक लॉ है जो हमें बताता है कि जब कोई चीज अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस होती है तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस पोजीशन पे एक डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये और आगे मूव करता है बॉल, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट डबल हो गई तो हमारा फोर्स भी डबल हो जाएगा। ये अगर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था डिस्प्लेसमेंट के, और जब डिस्प्लेसमेंट डबल हो गई तो फोर्स भी डबल हो गया। अगर ये फोर्स वेक्टर था तो ये डबल हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस लॉ को हम यूं लिख सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के, जितनी एक्स ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। हमारी मीन पोजिशन से जो किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट होती है बॉल की या किसी भी चीज की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है,
इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ये जाहिर है हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करता है, और इतना मूव करता है कि वो उस पॉइंट पे चला जाता है जिसके बाद वो वापसी का सफर शुरू करता है, उस इंस्टेंट पे, यानी जो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी होती है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इस पॉइंट के बाद ये बॉल वापस आना शुरू हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक वाइब्रेशन क्या होती है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मीन पोजिशन से लेफ्ट साइड पे अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करे, वापस मीन पोजिशन पे आए, राइट साइड पे अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करे और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आए दूसरी दफा, तो इस पूरी चीज को एक वाइब्रेशन या साइकिल कहते हैं। और जितनी देर में हम एक वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट करते हैं वो हमारा टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स है, जिसका मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड, जो कि उसकी डेफिनेशन भी है। हमने कहा कि टाइम पीरियड वो टाइम होता है उतने सेकेंड जितनी देर में वो 1 साइकिल कंप्लीट करती है, तो रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल के मुताबिक 1 सेकेंड में वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगी, 1/T साइकिल्स, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी वो 1/T साइकिल्स पर सेकेंड कंप्लीट कर रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। साइकिल्स पर सेकेंड क्या होते हैं, हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T हर्ट्स। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है, साइकिल्स पर सेकेंड हमने अभी देखा 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स या वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, तो और वो बराबर होती है हर्ट्स के। अब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वाइब्रेशंस पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये वाइब्रेशंस पर सेकेंड होता तो मैं ये चूज कर सकती थी, मगर ये पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये गलत है। रेडियन यूनिट फ्रीक्वेंसी का नहीं है, रेडियन के अगर आप डायमेंशंस देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये वैसे भी एंगल को रिप्रेजेंट करती है। मीटर पर सेकेंड के क्या डायमेंशंस होंगे, लेंथ ओवर टाइम, और फ्रीक्वेंसी के क्या डायमेंशंस होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड के, जो कि सेकेंड में मेजर किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस पर यूनिट टाइम के हैं जो कि हर्ट्ज बनता है हमारे पास, ये ऑप्शन डी गलत है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन व्हेन द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड। अब उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, अब हम इनमें से देखते हैं कि डिस्टेंस कौन कौन सी चीजें डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स फर्क हैं, हम किसी चीज को अगर ऑप्शंस रूल आउट करना चाहते हैं तो हम उनके यूनिट भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्ज होते हैं, टाइम पीरियड के यूनिट्स सेकेंड होते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को देखते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में आती है और एम्पलीट्यूड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है वो भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है, मगर इन दोनों में क्या फर्क है कि एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जिस तक वो जाती है बॉल, जब वो वापस मूव होना शुरू होती है, तो एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन है।